को देखिए, ये रनिंग हो गया, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना। ये देखिए कितना स्पीड में रन कराता है ये। आप लाइव देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कूलिंग टावर के बारे में। आज हम आप लोगों को कूलिंग टावर को लाइव दिखाएंगे और इसका फंक्शन कैसे है, इसमें पाइपलाइन कैसे आया है और कहाँ पे कैसे वर्क करता है, पूरा फुल डिटेल्स हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि कूलिंग टावर जो है दो तरह के होता है, एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये जो हमारा कूलिंग टावर है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। क्यों इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है? क्योंकि इसका जो है फैन जो है वो ऊपर की साइड में लगा हुआ है, फोर्स वाला में जो है नीचे के थ्रू से उसको ऊपर के ओर भेजा जाता है। लेकिन इसमें जो है ऊपर जो है हेलीकॉप्टर का सेम लाइक मॉडल होता है और उस हिसाब से जो है ये अपना पानी को ठंडा करता है। तो हम आपको दिखाते हैं ऊपर का भी पोजीशन और फिर आपको लाइन भी सब एक एक करके क्लियर दिखाते हैं। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें। ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। ये सीढ़ी है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का इस तरह से मॉडल रहेगा। मतलब उसका फैन ब्लेड जब ऊपर में लगा रहेगा तो आप समझ लो कि वो हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। और ये सेम हेलीकॉप्टर के जैसा रन करता है और उसके बाद जो है अपना हवा में वो मॉइस्चर को लेते हुए पानी को, देखिए ये रनिंग हो गया, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना। ये देखिए कितना स्पीड में रन कराता है ये। लाइव देख रहे हैं एयर रोटेशन में। और इसके अंदर जो है सब जो है नोजल्स लगे रहते हैं, पानी स्प्रे होता है, ठीक है। इसके अंदर फिन्स हैं, फिन्स आप देख रहे हैं ना, आपको दिखाते हैं। ये जो है एलिमिनेटर लगा हुआ है, ये टोटल एलिमिनेटर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब एलिमिनेटर है। इसके अंदर से पानी जो है बहुत सारा भागों में बढ़ जाता है नोजल के जरिए। और उस देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, पानी आ रहा है इसके अंदर। और ये सम्प है, ये इसका कूलिंग टावर का सम्प एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सम्प है। और ये आपको दिखाते हैं, ये दो लाइन आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये दो लाइन, एक लाइन जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जैसे ये नीचे जो है ये हमारा चिलर का कंडेंसर से आ रहा है। कंडेंसर से जो ये पानी आ रहा है, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ना, चिलर का कंडेंसर से ये पानी आ रहा है। यहाँ पे डीआर भी हमारा लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये डीआर भी लगाया हुआ है, डबल रेगुलेटिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डीआरवी, ओके ना। और ये जो है हमारा जा रहा है कूलिंग टावर का सबसे टॉप में, ऊपर में जहाँ पे नोजल वगैरह इसका लगा हुआ है पानी स्प्रे कराने के लिए, वो वहाँ पे जा रहा है। वहाँ से जब निकलेगा तो आप यहाँ पे देखिए नीचे में इसका सम, ये वाला जो लोकेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सम लोकेशन है, ये हमारा सम का लोकेशन है, ठीक है। और ये सम जो है ये यहाँ से निकला, ये पानी जो है यहाँ से निकला, कूलिंग टावर का डिस्चार्ज जो हुआ, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, ये जाएगा कंडेंसर का इनलेट में, चिलर का इनलेट में। कूलिंग टावर का डिस्चार्ज जो है ना, ये हमारा जाएगा कंडेंसर का इनलेट में। जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर BMS का सेंसर लगा हुआ है और ये एयर पर्च करने के लिए यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। इधर आएंगे तो हमारा बल्ब लगा हुआ है, ग्लोब बल्ब, पानी को बंद करने के लिए। आगे वाई स्टेनर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाई स्टेनर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आगे निकलेंगे, फिर यहाँ पे भी गेट बल्ब एक डाला हुआ है, ठीक है। ग्लोब बल्ब यहाँ पे भी डाला है, यहाँ पे भी डाला हुआ है, दो जगह डाला है। मतलब अभी हमको स्टेनर क्लीन करना है तो हम लोग ये दोनों वाल्व को क्लोज करके हम स्टेनर को क्लीन कर सकते हैं इजिली, ठीक है। दूसरा भी काम हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, इसको हमेशा पानी चाहिए,
पानी अपना मेकअप ये होने के लिए फ्लोर होल के जरिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये हमारा मेकअप, ये जो है पानी को इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई आ रहा है। पानी सब, पानी का लेवल सम्प में कम होएगा, जैसे स्प्रे होने के बाद बहुत सारा पानी रिमूव हो जाता है ना, तो पानी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये पानी को ऑटो सिस्टम में मेंटेन करता है। बाद में देखिए यहाँ ओवरफ्लो का लगाया हुआ है, वो ओवरफ्लो का लगा करके इधर में देखिए ड्रेन किया है, वहां पे जो है बाहर में ड्रेन हो जाएगा अगर ज्यादा पानी भर जाता है तो। फिर बाद में जब हमको सम्प क्लीन करना होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए एक लगाया हुआ है पाइप, देख रहे हैं ना, ये इसके जरिए जो है यहाँ पे पानी को इसमें कनेक्ट किया, ये लाइन में, और आगे जा करके ड्रेन हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब सर्विसिंग करने के लिए ये सब हम लोग यूज में करते हैं। वो जो हमारा ओवरफ्लो होगा तो मालूम चलेगा कि हाँ पानी हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये फंक्शन है। अभी हम आपको इसके अंदर का दिखाते हैं कि अंदर का पोजिशन किस तरह से होता है, कैसा होता है, ठीक है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। ये देख रहे हैं, ये इधर में बगल में इसका मोटर है, ये मोटर लगा हुआ है, ओके। और ये हमारा इमरजेंसी स्विच है, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, ठीक है। अगर इन केस कभी कुछ है, देखिए इस पर लिखा इमरजेंसी स्विच करके लिखा, इन केस कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप जब तक इमरजेंसी को ऊपर से रिलीज नहीं करोगे तब तक जो है नीचे से हमारा यूनिट स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभी आप नीचे से स्टार्ट करते हो, ऊपर स्टार्ट नहीं होगा। अगर काम कर रहे हो तो कभी भी इमरजेंसी को दबा करके उसके बाद ही आप काम करो कूलिंग टावर में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ढक्कन जो है ये लॉक रहता है, इसको टाइट किया रहता है। अभी हम इसको जो है रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव करके दिखाते हैं। तो इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद का पोजीशन देखो अभी कूलिंग टावर का, आप अच्छा सा व्यू देख सकते हो। ये जो है हमारा इंजन ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो है इस तरह से जो है हमारा लगा हुआ है। इधर शाफ्ट के जरिए जो है बाहर मोटर साइड में है, और ऊपर जो है हेलीकॉप्टर का सेम फैन के जैसा जो है इसका रोटेशन होता है, और ये पानी को लेके जाता है। इधर देखिए नीचे फेंस है, यह सब जो है एलिमेटर जो है ना, एलिमेटर लगा हुआ है, इसके जरिए पानी का स्प्रे होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से आप देख रहे हैं, और ये सम्प एरिया है हमारा, और ये दो फ्लड वाल्व है। पानी जो हमारा आ रहा है ना, जिससे पानी अभी क्या है, हवा में पानी को लेके ये रिमूव कराता है ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा करने के लिए, तो पानी हमारा कम हो जाता है। तो वो मेंटेन करने के लिए ये जो हमारा लगा हुआ है फ्लड वाल्व, ये जैसे ही क्या करते हैं डाउन होएगा, जिसे पानी का लेवल डाउन होता है, ये पानी का लेवल डाउन हुआ, देखिए पानी आने लगा, इसको छोड़ेंगे तो ये जो है लॉक रखेगा। तो ये फ्लड वाल्व का हमारा काम है, और इस तरह से ये हमारा सम्प एरिया है, सम्प लोकेशन है। ये जो है यहाँ से पानी आउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आउट हो रहा है, ये जो है हमारा ओवरफ्लो का दिया हुआ है। मतलब पानी जैसे अभी ज़्यादा हो गया, अभी फ्लड वाल्व आपका काम करना बंद हो गया, तो ओवरफ्लो से जो है पानी जो है हमारा आउट होने लगेगा, तो आपको मालूम चल जाए कि हाँ ओवरफ्लो हमारा पानी हो रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सब वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। हम ऐसे ही ऐसे आप लोगों को वीडियो बनाते रहेंगे एक एक टॉपिक पे। चलें, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। चलिए फिर, आप अपना ख्याल रखें।